ग्रीन मॉस जो है वो मैं कलेक्ट करके ले आया हूँ और अब इस ग्रीन मॉस को क्या है इस प्लांट पे हम लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे पास काफी क्वेरी, जब मैं बॉन्साई की वीडियो डालता था तो उस पे आते थे कि जो ग्रीन मॉस है जो कि बॉन्साई के ऊपर यूज की जाती है, वैसे इसको और भी काफी जगह आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो ट्रेनियम वगैरह जो हम बनाते हैं उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो जो ग्रीन मॉस है वो मिलती कहाँ पे है, अब इसका जो सीजन है वो सही है, इस टाइम पे ये मिलेगी आपको। और मिलेगी कहाँ पे, जंगल में जब जाएंगे आप, पुराने लकड़ी हो या पुराने पत्थर जो होते हैं उनके ऊपर ही ऑटोमेटिक रेनी सीजन में ग्रो कर जाती है, तो वहाँ से आप इसको लेके आ सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर नहीं जा सकते तो शहर में रहते हैं तो अपने आसपास पुरानी बिल्डिंग देखिए जहाँ पे काफ़ी टाइम से उस बिल्डिंग में काम ना हुआ हो और सीमेंट की जो है दीवारें उसकी, उस पर क्या है जब बारिशें गिरती है कंटिन्यू तो वहाँ पे ग्रीन मॉस जो है वो ग्रो हो जाती है, या ईंट की कोई इमारत बनी है और पुरानी ईंटें हो गई है तो वहाँ पे भी जो ग्रीन मॉस है ग्रो कर सकती है। मेरे यहाँ पे छत पे जो पहले की जो सीमेंट लगी हुई थी पुरानी, वहाँ पे क्या है ग्रो कर जाती है धीरे धीरे। कुछ जगह जंगल में जो चिकनी मिट्टी होती है उसके ऊपर भी ग्रो कर जाती है। मेरे यहाँ पे जो जंगल है वहाँ पे कुछ जगह मैंने देखा है जो चिकनी मिट्टी जहाँ पे है वहाँ पे एक परत बनती है पहले और फिर वहाँ पे ग्रीन मॉस जो है ग्रो कर जाती है, तो वहाँ से भी हम ला सकते हैं। मैं एक बार जब पहाड़ी इलाके में गया था वहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी पहाड़ पर जो मिट्टी है उसके ऊपर और पत्थर के ऊपर काफ़ी ग्रीन मॉस थी जो कि मैं लेके आया था वहाँ से। मेरे यहाँ पे भी जो ग्रीन मॉस है वो मिल सकती है। मेरे यहाँ पे ग्रीन मॉस कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि देखिए सामने की जो दीवार है ये ब्लैक ब्लैक सी जो हो रही है, ऐसी दीवार पे जो ग्रीन मॉस है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा वहाँ पे, एक तो डायरेक्ट सनलाइट ना जाती हो और कंटिन्यू अगर बारिश होगी तो ही वहाँ पे आएगा, या पानी आप डालते रहे तो वहाँ पे हो सकती है। नर्सरियों में ग्रीन मॉस इसलिए ग्रो करती है क्योंकि वो पानी डालते रहते हैं तो वहाँ पे नमी बनी रहती है और मॉस जो है वो ग्रो कर जाती है। यहाँ पे आपको हल्का हल्का जो ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहे हैं, अगर ऐसे ही कंटिन्यू बारिश होती रही तो यहाँ पे जो ग्रीन मॉस है वो ग्रो हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, एक दिन बारिश आती है और फिर फुल सनलाइट होती है तो धूप में क्या है मॉस ग्रो नहीं कर पाती, जल जाती है। इस वजह से इस जगह पे जो ग्रो नहीं कर पा रही है क्योंकि कंटिन्यू बारिश नहीं हो रही। जबकि दीवार के इस साइड देखिए, इस साइड आपको दिखेगा जो ग्रीन मॉस है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पे क्या है डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, इस वजह से यहाँ पे जो ईंट पे जो मॉस है वो धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है। जब मैं पहाड़ी इलाके में गया था तो वहाँ पे मैंने एक मॉस और देखी थी जो कि मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मेरा छत है, छत की जो पुरानी ईंटें हैं यहाँ पे, ये देखिए ये भी एक तरह की मॉस है, ये देखिए। और ये बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई है दीवार से, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक की है लेकिन ये मॉस है। तेज सनलाइट इस पर पड़ी तो ये ख़राब हो सकती है, जल सकती है। और ये क्या है, जब बारिश का सीजन आता है तभी ग्रो करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन मॉस है कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है। अब मैं इसको निकाल के लेके आने की ट्राई करूँगा कि इसको निकाल लूँ। ग्रीन मॉस जो है वो मैं कलेक्ट करके ले आया हूँ और अब इस ग्रीन मॉस को क्या है इस प्लांट पे हम लगाएंगे। ये एक फाइकस का प्लांट है जो मैंने इस रॉक के ऊपर यानी कि पत्थर के ऊपर लगा रखा है। मैंने जो है थोड़ी सी कंपोस्ट पत्तियों की खाद वो डाल दी है और इसके ऊपर इसको करेंगे ताकि नमी जो है वो बनी रहे। हम इस पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पास जो स्पंग मॉस है वो है, पहले मैं वो यूज़ करूँगा और उसके बाद जो हमारी ये ग्रीन मॉस है ये यूज़ करेंगे। तो ये स्पंग मॉस है, इसको हम पहले निचोड़ लेते हैं और अब इसको यहाँ पे लगाएंगे। मॉस हमारे पास कम है तो हो सकता है पूरी साइड ना आए लेकिन जो फ्रंट है इसका वो हम कवर करेंगे, जो ग्रीन मॉस है वो कम है। तो जो स्पंग मॉस है वो मैंने ऐड कर दी है, अब जो हमारी मॉस है वो हम इस पर लगाएंगे। ये जो तरीका है ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली में, मैं पहले इस पे वो सिंपल जो सॉइल हमारा होता है उस पे यूज़ करता था। अब जो हमारी ये मॉस है ग्रीन मॉस, इसको पानी में एक बार भिगो लें और फिर इसको रखें। अब इसको हम इस तरह से इस पे लगा देंगे और इसको अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना होगा। आप इसको पॉली बैग से कवर कर सकते हैं इस एरिया को जहाँ जहाँ पे हमने मॉस लगाई उसको, ताकि अंदर की इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे। हल्का हल्का इनके ऊपर स्प्रे भी करता रहना होगा अदरवाइज जो मॉस जल जाएगी। इसको आप कवर कर दे पॉली बैग से तो ये जल्दी ग्रो करेगी। दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।